पूर्वोत्तर भारत में तीन प्रदेशों में चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा अमरपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि 130 करोड़ के देश को 220 करोड़ डबल डोज लगा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुरक्षा कवच आपको दिया। ये प्रोएक्टिव सरकार, ये वो सरकार जो 9 महीने में एक नहीं दो दो भारत में बनी हुई वैक्सीन तैयार करती है और एक एक भारतीयों को 100% वैक्सीनेशन करने का काम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम टीकाकरण प्रोग्राम किया गया। जब हम प्रोएक्टिव सरकार बोलते हैं तो यूक्रेन में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, हमारे 32,000 बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए थे, 32,000। कोई देश ने यह पहल नहीं की कि अपने बच्चों को वापस लाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तरफ पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को रुकवाया और 32,000 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचाया। इस तरीके की व्यवस्था। बजट सुपर एक्सक्लूसिव। बजट के बाद किसी भी निजी न्यूज नेटवर्क को वित्त मंत्री का पहला इंटरव्यू। क्या है बजट के मायने निवेशकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, करदाताओं के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एडिटर इन चीफ राहुल जोशी की बात लाइव एंड एक्सक्लूसिव सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। जो उसके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इन दिनों किसी से छिपी नहीं है। वहां रोटी के लाले पड़ गए, लोगों की जेब खाली हो चुकी है, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंचने वाली है और इस पर बड़ी मुसीबत यह कि पाकिस्तान की सरकार का खजाना खाली हो चुका है। मतलब ये कि अगर ईरान जुर्माना वसूलने पर अड़ गया तो पाकिस्तान के बिकने की नौबत आ जाएगी और ये बात वहां के लोग भी अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसीलिए वो अपनी सरकार को बुरी तरह कोस रहे हैं। इंडिया की गवर्नमेंट की तो क्या आपको लगता है वो हमारे गवर्नमेंट से बेहतर है? बहुत बेहतर है। पाकिस्तान के लोगों ने शहबाज सरकार से ज्यादा भरोसा भारत की सरकार पर दिखाया। उनके मुकाबले में इस तरह हम खड़े हो सकते हैं, हमारी लीडरशिप सही हो। पाकिस्तान के लोगों में ईरान की धमकी का असर भी दिखाई दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि इन दिनों जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है वो किसी भी कीमत पर जुर्माना नहीं चुका पाएगा और इसकी वजह यह है कि ईरान ने जुर्माने की एक ऐसी रकम तय कर दी जिसे दे पाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है और इसी वजह से वहां के लोग आने वाले दिनों के बारे में सोचकर ही कांप रहे हैं। असल में पाकिस्तान पर ईरान का गुस्सा एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर भड़का है। दोनों देशों ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2009 में समझौता किया था, जिसके तहत पाकिस्तान को अपने हिस्से की 800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण करना था, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान वो काम पूरा नहीं कर पाया, जबकि ईरान अपने हिस्से का काम खत्म कर चुका है। बस इसी बात से नाराज ईरान ने पाकिस्तान पर 1800 करोड़ डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपयों में 4.25 लाख करोड़ का जुर्माना लगा दिया और साफ कह दिया कि 2024 की शुरुआत तक काम खत्म नहीं हुआ तो वो जुर्माना वसूल कर रहेगा। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।